हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का रिवीजन, ये है पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर हम जो ये आप रिवीजन करा रहे हो केवल वही क्वेश्चन रिवाइज कर लें तो हमारा क्या एग्जाम में काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। आप लोगों को जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कराने वाला हूँ, जो रिवीजन सीरीज हमारी होगी, तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कम से कम एक दो बार खुद से ट्राई करके देख लीजिए, उसके बाद आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, बीच बीच में क्या होगा, वीडियो को मुझे शॉर्ट रखना है क्योंकि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, आप लोग ज्यादा टाइम वीडियो पर नहीं दे सकते, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो रिटर्न पार्ट होगा, जो एंट्रीज मैं लिखूंगा, उसको वहां पे स्पीड थोड़ी मैं तेज कर दूंगा ताकि उसको जल्दी जल्दी से हम कवर अप कर लें। जहां समझाने की बात आएगी मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो रिवाइज करेंगे हम वो है इलस्ट्रेशन नंबर टू। जल्दी से इसको एक बार रीड कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम समझेंगे। हो सकता है जब मैं रीड कर रहा हूं तो कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ ना आए, लेकिन जब मैं इसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इसको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल हर एक बात समझ आएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। वाई लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच ऑन 1st अप्रैल 2017। वाई लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू करे हैं जो कि 10 रुपए वाला है 1 अप्रैल 2017 को, रिडीमेबल एट पार ऑन 30th जून 2018, जो कि रिडीम करने हैं, वापस करने हैं 30th जून 2018 को। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 55,000, कंपनी को 55,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली है एंड अलॉटमेंट वाज पेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा। तो जो भी हैं एप्लीकेंट उनको प्रोराटा बेसिस पर डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे आगे, क्योंकि देखो सीधी बात है 50,000 डिबेंचर हैं और टोटल जो डिबेंचर की एप्लीकेशन आई है वो 55 की आई, राइट। आगे कहते हैं द डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट है 30 जून 2018 डिबेंचर को रिडीम कर दिया गया। आगे कहता है एज्यूम दैट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट मतलब 15%। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इन्वेस्टमेंट आपको बनानी पड़ती है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, जितनी भी के डिबेंचर आप वापस कर रहे हैं उसका 15% फेस वैल्यू का 15 आपको कम से कम DRI बनानी पड़ती है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, राइट। चलिए, क्या सर इससे ज्यादा बना सकते हैं, 15% से ज्यादा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, एटलीस्ट वहां पे लिखा हुआ है एटलीस्ट। चलिए, आगे कहता है ऑन 1st अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिडम्पशन इज ड्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो 15% की एटलीस्ट होती है, वो 1st अप्रैल को बनाई गई है। मैंने आपको बताया भी था उसका जो टाइम पीरियड रहता है जिस ईयर में आप रिडीम कर रहे हैं उसमें 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक का टाइम रहता है, यानी 30 दिन दिए जाते हैं आपको, तो 30 दिनों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट बनानी होती है। सर समझ नहीं आया या याद नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा से समझाऊंगा। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स DRR एंड इन्वेस्टमेंट इग्नोरिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इग्नोर करके चलना है, ओके। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये एक बारी में नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से गो थ्रू कर लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। क्या एग्जाम में भी सर टाइमलाइन हम ड्रॉ कर देंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन आपके नंबर कटेंगे भी नहीं, ये बस आपको समझने के लिए होगा, राइट। चलो, तो एक टाइमलाइन हम ड्रॉ करेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हमारी कोई एंट्री छूटे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे डेट बता दीजिए कौन सी है, ये इशू कब करे गए हैं, 1st अप्रैल 2017। तो ये जो डेट है 1st अप्रैल 2017 है, और उसके बाद बात आती है 50,000 डिबेंचर है 10 ईच, ठीक है जी। तो डिबेंचर है 50,000, मैं के यूज कर रहा हूँ 1000 के लिए क्योंकि ये समरी है, जस्ट समरी है क्वेश्चन की। 50,000 डिबेंचर है और 10% इनका रेट है, उसके बाद 10 का ये फेस वैल्यू कितनी है 10, और इशू एट पार, पार पर ही इशू कर रहे हैं मतलब 10 रुपी पर। उसके बाद बात आती है इनको रिडीम करना है 30 जून 2018 को। तो यहां पर ये जो डेट आएगी, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेता हूं, ये जो डेट आएगी ये है आपकी 31st मार्च 2018,
ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये जो ईयर होगा आपका, ये जो साल होगा ये आपका रिडम्पशन का ईयर है। तो हमें यहाँ तक जाना है, रिडम्पशन के ईयर तक हमें काम करना है। मैं ये जो डेट है रिडम्पशन की ड्यू डेट क्वेश्चन में दी हुई है 30 जून 2018, वो लिख देता हूँ यहाँ पर 30th जून 2018। ठीक है, तो हमें यहाँ तक का काम करना है। आपको मैंने ये बताया भी था कि आपको 30th अप्रैल तक आपको बनानी पड़ती है, 30th अप्रैल तक आपको बनानी पड़ती है, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ती है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। चलिए, तो ये हमारा रिडम्पशन का ईयर है जिसको हम बोल देंगे 2018-2019 हमारा रिडम्पशन का ईयर है। अच्छा, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहता है जर्नल एंट्री इशू की भी डालनी है, रिडम्पशन की भी डालनी है, DRR और इन्वेस्टमेंट की भी डालनी है, इग्नोर करना है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें ये कैटेगरी वन का क्वेश्चन हो गया। आप हमेशा कैटेगरी, जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये है कैटेगरी वन का। सर कैसे होगी कैटेगरी वन? इसमें इशू की एंट्री भी मांग रहा है और रिडम्पशन की एंट्री भी मांग रहा है, यानी फुल फ्लैज एंट्री वो मांगना आपसे चाह रहा है। तो यहां पर ये कैटेगरी वन हम इसको बोलेंगे। सेकेंड कैटेगरी कौन सी आएगी? सेकेंड कैटेगरी में होगा क्या? जो रिडम्पशन है, यानी केवल यहां से लेकर यहां तक रिडम्पशन के ईयर की बात करेगा, खाली रिडम्पशन के ईयर की जर्नल एंट्री अगर मांग रहा होगा, कैटेगरी सेकेंड हम उसको बोलेंगे। चलिए, फिर उसके बाद तो ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब यहां पर इशू की एंट्रीज आएंगी और इशू की एंट्री कितनी आएंगी? रिडम्पशन जो है पार पर है तो कोई इशू नहीं है, यहां पर दो एंट्री आपकी इशू की आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपकी यहां पर ये जो डेट है 31st मार्च जो है, यहां पर एक आएगी डिजिटल इंडिया DRR बनाने की, DRR बनाने की, और दूसरा इन्वेस्टमेंट परचेज करने की। ठीक है, डिजिटल इंडिया, और एंड पे यहां पर इस डेट पर, ये जो डेट है एंड की 30 जून, यहां पर आएगी आपकी सरजी में से कौन कौन सी एंट्री आएगी? आई वाली एंट्री नहीं आएगी, यहां पर आपकी एक एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री नहीं आएगी, सेल की एंट्री आएगी लेकिन ये एंट्री नहीं आएगी, इंटरेस्ट रेट नॉट गिवन। तो जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये नहीं आएगी। यहां पे ये दोनों एंट्री उन्होंने मना किया है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री आपको नहीं करनी है। SIR बोले तो रिडम्पशन की दोनों एंट्री आएंगी आपकी। फर्स्ट एंट्री कौन सी होती है? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो दो एंट्री वो आएंगी। और उसके बाद जी जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एक एंट्री यहां पर आएगी। तो मैं आपको बोलूं तो ये हमारा फुल कंप्लीट प्लान है कि हमें किस तरीके से काम करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे इरेज करता हुआ चलूंगा और अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता जाऊंगा और हम करते चले जाएंगे। तो मैं यहां पे इरेज करता जा रहा हूं, यहां पर दो एंट्री हैं तो हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, आपको एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है, अभी मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में पूरा कंप्लीट लिख के चलना है, नहीं तो मार्क्स आप लूज कर लेंगे। तो यहां पर आपके पास जो एप्लीकेशन आई है, 55,000 की आई है, तो आप क्या करेंगे, 55,000 मल्टीप्लाई 10, इशू एट पार है तो 550। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है और लैक्स और के ये यूज नहीं करने आपको। सेकंड जो एंट्री आएगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 550,000, यहां जितना भी आपने एप्लीकेशन में ट्रांसफर किया उसको आप ट्रांसफर कर देंगे, 10% डिबेंचर्स। और ध्यान रखना हमेशा डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है,
तो यहाँ पे है 50,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आपको रखनी है। तो ये हो गया आपका 5 लाख के डिबेंचर्स, और जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप वापस कर दोगे बाई टू बैंक, या वापस कर दोगे बैलेंसी फिगर आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो इशू के टाइम की एंट्री क्वेश्चन में मांगी थी, हमने डाल दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है हमारे पास, देखो यहां से आपको आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये वाली डेट आ रही है 31 मार्च 2018। तो आइए हम 31 मार्च 2018 को एंट्री डाल लेते हैं जी। तो DRR की एंट्री हम यहां पे सबसे पहले डाल लेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। सबसे पहली एंट्री आएगी DRR की और दूसरी आएगी इन्वेस्टमेंट की, उसकी मैं डेट भी साथ में लिख देता हूं। ठीक है, चलो तो सबसे एक मिनट, ओहो हाँ जी, तो सबसे पहले 31 मार्च 2018 को यहां पर एक एंट्री आएगी DRR बनाने की, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है इसलिए यहां पे मैं एब्रिवेशन यूज कर रहा हूं, आपको पूरा कंप्लीट एग्जाम में लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हाँ जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको जितनी भी फेस वैल्यू के डिबेंचर आप वापस कर रहे हैं उनका 25% बनाना है। 50 लाख के, एक मिनट में देख लूं, सॉरी 50 लाख नहीं है, 5 लाख है, 5 लाख के डिबेंचर्स हैं आपके जिनको आपको वापस करना है, और मल्टीप्लाई है 25%, तो ये आ गया 1,25,000। 1,25,000 कब बनानी है, 31 मार्च 2018 को, राइट। और जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, ये दोनों बिल्कुल एक दिन का फर्क है इसमें, यहां पे क्वेश्चन में लिखा गया है 1 अप्रैल 2018 को आपको इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ना लिखता तो आपको क्या करना था, तब भी आपको 1 अप्रैल ही मानना था। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पे डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जिसको हम DRI भी कहते हैं शॉर्ट में, अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सिंपल इन्वेस्टमेंट की तरह ही है। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो आपके एसेट बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है और बैंक डिक्रीज हो जाता है। इसका रीजन क्या है, P&L एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी होती है, एक लायबिलिटी कम दूसरी लायबिलिटी बिजनेस की बढ़ जाती है। यहां पर कितना होता है, एटलीस्ट 15%। क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको क्या करना है, फेस वैल्यू का जो भी डिबेंचर आप वापस कर रहे हैं उसका 15% कम से कम। हाँ, क्वेश्चन अगर खुद ही कह देता है 25% बना रहे हैं तो उसमें आप वही बनाएंगे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 75,000। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जरा, फिर क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट। अब हमने ये भी एंट्रीज डालनी है, अब हम आते हैं सीधा, हमारा ये भी टारगेट कंप्लीट हो गया, हम चलते जा रहे हैं, और उसके बाद हम आ रहे हैं 30th जून जो कि हमारा लास्ट है। ये जो हमारा है, यहाँ पर अगर हमारी एंट्री हो जाती है तो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ जी सर थोड़ा सा और कर लीजिए ताकि, हाँ यहाँ पर ये बिल्कुल अब क्लियर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैं पहले इनको इरेज कर देता हूँ। हमारे पास आप याद रखना, सेल की एक ही एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी, उसके बाद रिडम्पशन की दोनों एंट्री आएगी और रिजर्व में ट्रांसफर करने की दोनों एंट्री आएगी। तो ये जो डेट है हमारी 30 जून 2018 को एंट्रीज आ रही हैं। सबसे पहले सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कई स्टूडेंट को ये एंट्री समझ नहीं आई थी, तो ये एंट्री यही, यहाँ पे जो मैं एंट्री करने वाला हूँ पहली वाली एंट्री, ये यही है, इसका रिवर्सल है जस्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है आप उसको रियलाइज करोगे, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। 75,000 आपने इन्वेस्ट किया था, आपने किया वापस 75,000
रियलाइज कर ली, क्योंकि आपको पैसा चाहिए रिडीम करने है। सेकंड जो एंट्री आने वाली है यहाँ पर वो आएगी आपकी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी, और उसके बाद इंटरेस्ट जो डिवेंचर का है वो भी मना करा गया है क्वेश्चन में रिडम्पशन की। 10% डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं है यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स, तो अमाउंट कितना वापस करना है 5 लाख। और क्या करेंगे सेकंड एंट्री में, ये जो है आप इसको वापस कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स 5 लाख टू बैंक। आपको इन सभी के रीज़न समझ आ रहे हैं ना? हाँ सर, एक बार जल्दी से रीज़न भी बता दीजिए। देखो एसेट बड़ा, एक एसेट डिक्रीज हो इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट चले गए। यहाँ पे डिबेंचर है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ख़त्म, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई डिबेंचर होल्डर के टूवर्ड्स, वो लाइबिलिटी हमने नेक्स्ट में पे कर दी है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज और यहाँ पर एसेट डिक्रीज। फिर उसके बाद जो भी आपने DRR में पैसा डाला था, DRR में आपने कौन सा पैसा ट्रांसफ़र किया था, ये वाला जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया था DRR में, इसको आप क्या करेंगे जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे, DRR टू जर्नलिज्म। सर क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? अगर आप लोगों को इन सब के रीज़न जानने हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इनके लॉजिक समझने हैं कि क्यों हम यहाँ पर जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट हम क्यों परचेज कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कई स्टूडेंट्स को रीज़न जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, वो नहीं जानना चाहते। अगर जानना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? तो मुझे जैसे भी होगा आप बताएंगे ज़रूर। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ, यहाँ पर मैंने टाइमलाइन ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज डाली हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में करना क्या है, एग्ज़ाम में तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का, और उसके अंदर प्रॉपर आपको एंट्रीज करते जाना है, ठीक है? टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप बढ़ते जाएंगे, एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में करते चले जाएंगे, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय।